गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 अप्रैल 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स का। आज की करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना और इन क्वेश्चन की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चन की PDF फाइल। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रमनाथ को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के, और ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने विक्रमनाथ। यही है विक्रमनाथ, और ये अभी तक इलाहाबाद कोर्ट में सीनियर मोस्ट जस्टिस है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और अब ये बने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। तो ध्यान रखना है इनका नाम है विक्रमनाथ, और ये बने आंध्र प्रदेश के। तो मैप में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, यानी अमरावती हो जाएगी बाद में आंध्र प्रदेश कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953 में इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन्स लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया स्मृति मंदाना को, यही है स्मृति मंदाना, और इसी को विजडन्स लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और कल भी बताया था विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था विराट कोहली को, और ये बनिए विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये बनिए स्मृति मंदाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है लंदन, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। तो लंदन विश्व का पहला शहर बना है जिसने पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू किया है। तो ये इस जोन का नाम है अल्ट्रा लो इमिशन जोन। क्या है? अल्ट्रा लो इमिशन जोन, यानी ULEZ। तो ये घोषित कर दिया है। अब अगर कोई भी वाहन इमिशन ज़्यादा करता है तो उस पर तुरंत फाइन लगा दिया जाएगा बिना किसी चेतावनी के। तो ये लॉन्च किए हैं लंदन ने, तो पहला सिटी बनाया लंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने बेंजामिन नेतन्याहू, यही है बेंजामिन नेतन्याहू, और ये इसराइल के पाँचवीं बार प्राइम मिनिस्टर बने नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, और ये इसराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं अब ये बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये पांचवी बार बने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। अब ये बने इसराइल के, तो मैप में देखते हैं इसराइल को, ये रहा मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल है यरूशलम, करेंसी है इसराइली न्यूसेकल, और प्रधानमंत्री तो यही बने बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या में 1.2% औसत वृद्धि हुई है? तो ये रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है UNFPA, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इसकी रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2010 से लेकर 2019 के बीच में भारत की जनसंख्या में 1.2% औसत वृद्धि हुई है। अब बात आई है यूनाइटेड नेशन, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के हैं एंटोनियो गुटेरस? तो ये पुर्तगाल के हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1.2% औसत वृद्धि हुई है 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में DEO मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं पुंडीचेरी ने, पुंडीचेरी। तो इन्होंने लॉन्च किया है DEO मोबाइल ऐप, और इस ऐप का नाम है DEO
पुंडीचेरी, तो इस ऐप का नाम ध्यान रखना है DEO पुंडीचेरी। तो ये ऐप लॉन्च किया है पुंडीचेरी ने। DEO की फुल फॉर्म है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस, क्या है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस। अब इस ऐप में हो गया क्या, तो इस ऐप में आप वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट मिल जाएगी इस ऐप पर, और भी अन्य जानकारी, बहुत सारी अन्य जानकारी मिल जाएगी इस ऐप पर। तो ये पुंडीचेरी ने लॉन्च किया है। तो मैप में देखते हैं पुंडीचेरी, ये रहा मैप में पुंडीचेरी। तो इसके चार डिस्ट्रिक्ट हैं पुंडीचेरी की, यहाँ पे माहे डिस्ट्रिक्ट है माहे, और इसमें ये यमन है, और ये पुंडीचेरी है, और ये कराकई, चार डिस्ट्रिक्ट है कराईकल। तो ये दोनों तो तमिलनाडु में, और ये केरल में, और ये आंध्र प्रदेश में यनम। तो ध्यान रखना, और माहे डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे छोटा जिला है, और भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। तो ये पुंडीचेरी ने लॉन्च किया है, और पुंडीचेरी कैपिटल तो है पुंडीचेरी है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुंडीचेरी के बी नारायण स्वामी, और गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG है किरण बेदी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने स्मार्ट शहरों के लिए समाधान पर सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये क्या है स्वीडन के साथ। तो हाल ही में इंडिया ने स्मार्ट शहरों के लिए समाधान पर सहयोग के लिए स्वीडन के साथ समझौता किया है। अब ये है समझौता क्या है स्वीडन के साथ, तो मैप में देखते हैं स्वीडन को। ये रहा मैप में स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडन स्वीडिश क्रोना, प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लोफेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के लूनर रोवर यूतू सेकंड ने चंद्रमा पर 170 मीटर की यात्रा की है, तो ये किए चाइना के लूनर रोवर यूतू सेकंड। तो इसी ने चंद्रमा की सतह पर 170.92 मीटर की यात्रा की है। तो ये चाइना का लूनर रोवर है। अब ये है चाइना का, और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम भी इम्पोर्टेंट है CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है चाइना की एजेंसी। तो मैप में देखते हैं चाइना को, ये रहा मैप में चाइना, चाइना कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है चाइना के सी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की शुरुआत की है, तो ये किए यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन ने शुरुआत की है ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की। जैसे आप किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे BSNL, रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, तो जो ऑनलाइन और जिस प्रोवाइडर का हम नेट यूज कर रहे हैं, तो आपकी ऑनलाइन सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी जिस इंटरनेट प्रोवाइडर का आप नेट यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी इंटरनेट प्रोवाइडर की, जिसका आप नेट यूज कर रहे हो, जैसे आप जियो का नेट यूज कर रहे हो, अगर कोई फ्रॉड होता है ऑनलाइन फ्रॉड, तो ये जियो की जिम्मेदारी है। तो ये ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की शुरुआत की है UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने। अब मैप में देखते हैं यूनाइटेड किंगडम को, ये रहा मैप में यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री है इसके UK के थेरेसा मे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एक नियुक्त किया गया है एनी नूरेनी, यही है एनी नूरेनी, और इन्हीं को ही एशिया 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में नियुक्त किया गया है एशिया में, और ये इंडोनेशिया की है एनी नूरेनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अब्देलकर बेंसाल, यही है अब्देलकर बेंसाल, और इन्हीं को ही अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये बने अल्जीरिया के, तो मैप में देखते हैं अल्जीरिया, ये रहा मैप में अल्जीरिया, अल्जीरिया कैपिटल है अल्जीरियस, करेंसी है अल्जीरिया दिनार, और प्रेसिडेंट तो यही बने, राष्ट्रपति तो अब्देलकादर बेंसाल। तो ध्यान, अब्देलकादर बेंसाल, इनका नाम है अब्देल कादर है, यहाँ पे अब्देल कादर बेंसाल, तो यही बने अल्जीरिया के राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास में, और अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी रैंकिंग जारी की थी, उसमें भी IIT मद्रास टॉप पर था, इसमें भी IIT मद्रास टॉप है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो हाल ही में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो ये बना था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर लिखा है वीडियो कमेंट बॉक्स में, तो प्रत्येक वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। आज के क्वेश्चन है,
हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 20 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है। इसका करेक्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखें या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो। अगर इन क्वेश्चन की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इन क्वेश्चन की PDF फाइल की। अगर किसी को भी RRBJEE और SSJEE के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो भी दिए गए हैं। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।